हम बेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जस्ट कर्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं सो कर्ड सरफेस एरिया और लेटर सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल होता है वे आर इज द बेस रेडियस आर क्या आपका बेस रेडियस है और एल आपकी क्या है स्लेंट हाइट है सो so, ये आपका हाइट ऑफ कौन है दैट इज एच सो आर इज द बेस रेडियस एंड एल इज द स्लेंट हाइट सो नाउ एल स्क्वायर इक्वस टू आर स्क्वयर प्लस एच स्क्र आप जैसा कि देख सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने सो बेस स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर प्लस एच हाइट स्क्वायर दैट इज एच स्क्वायर सोर स्क्र प्लस एच स्क्वायर विल भी इक्वस टू एल स्क्र दट इज हाइपोड स्क्वायर सो एल स्क्वेयर इक्व टू आर स्वायर प्लस एच स्क्यर और एल विली अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सो हम स्लेंट हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से और हमारे पास कर्व्ड सफेस एरिया क्या है? पाई आर एल यूनिट सो नाउ सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सरफेस एरिया क्या होगा कर्ट सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया और कर्ट सरफेस एरिया हमारे पास अभी भी हमने डिस्कस किया क्या है पाई आर एल और बेस एरिया के हमारा एक सर्कल है सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर सो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर सो पाई आर कैन बी टेकन एज कॉमन सो पाई आर इंटू आर प्लस एल स्क्वायर यूनिट विल बी द सर्फेस एरिया और टोटल सर्फेस एरिया ऑफ कॉन सो नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन इज डायमीटर ऑफ कॉन इज टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड इट्स स्लेंट हाइट इज टेन सेंटीमीटर फाइंड द कर सर्फेस एरिया एंड इट्स टोटल सर्फेस एरिया हमें करर्ट सर्फेस एरिया फाइंड आउट करना है और टोटल सर्फेस एरिया फाइंड आउट करना है एंड वी आर गिवन द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कॉन इज टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर सो रेडियस ऑफ बेस ऑफ कॉन विल बी टेन पॉइंट फाइव बाई टू दैट इज ट्वेंटी वन बाई फोर सेंटीमीटर एंड स्लेंट हाइट ऑफ कॉन इज टेन सेंटीमीटर सो नाउ करड सर्फेस एरिया ऑफ कॉन विल भी पाई आर एल स्क्वायर यूनिट सो पाई इज ट्वेंटी टू बाई सेवन रेड इज इज़ टी वन बाई फोर एंड सैन हाइड इज टेन सो आफ्टर सिम्प्लीफाइंग वी विल गेट वन सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर एज द कर सर्फेस एरिया सो हमें करट सर्फेस एरिया मिल जाता है वन सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल सर्फेस एरिया एंड टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मू क्या होता है पाई आटू आर प्लस एल पाई हमारे पास कितना है ट्वेंटी टू बाई सेवन कितना हमारे पास ट्वेंटी वन बाई फोर इन टू ट्वेंटी वन बाई फोर प्लस टेन सो एल्शियम लेंगे तो हमें मिलेगा ट्वेंटी वन बाई फोर प्लस टेन एल्शियम देखिए फोर इन 10 टेन टेन सॉरी फोर इन टू टेन फोर्टी फोर्टी प्लस ट्वेंटी वन विल बी सिक्सटी वन सो हमें मिल जाता है ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू ट्वेंटी वन बाई फोर इंटू सिक्सटी वन बाई फोर एंड दैट इज इक्वल्स टू टू फिफ्टी वन पॉइंट सिक्स टू फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ कौन so after simplifying we get 251.625 cm2 as the total surface area of cone and this is all about question number 1 you can pause the video and note it down or you can take the screenshot of this so now proceed for the question number 2 so question number 2 is द फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ कॉन इफ द स्लेंट हाइट इज ट्वेंटी वन सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज़ ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर सो हमें क्या गिवन है देखिए स्लेंट हाइट हमें गिवन है ट्वेंटी वन सेंटीमीटर नहीं एक्चुअली मीटर है इन माइंड है मीटर सो डायमेंशन में मिस्टेक हो गई मुझे सॉरी यूनिट में दैट इज मीटर सो ट्वेंटी वन मीटर है यहाँ पर और डायमीटर हमें दे रखा है ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर सो यहाँ भी क्या हमारे पास ट्वेंटी फोर मीटर है यहाँ भी आप क्या करें ट्वेंटी फोर मीटर स्लेंट हाइट ऑफ कॉन वी आर गिवन दट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ कॉन इज 24 मीटर सो डायमीटर ऑफ कॉन हमारे पास क्या 24 मीटर सो रेडियस ऑफ कॉन विल बी 24 फोर बाई टू दट इज ट्वेल्व मीटर सो हमारे पास क्या 12 मीटर मिल जाता है रेडियस ऑफ कॉन सो नाउ टोटल सर्फिस एरिया ऑफ कॉन टोटल सर्फिस एरिया कॉन क्या मिलेगा हमें बाई आर इंटू आर प्लस एल सो पाई ट्वेंटी टू बाई सेवन और रेडियस कितना हमारे पास ट्वेल्व है एंड हेयर आर देट इस रेडियस रेडियस कितना हमारे पास ट्वेल्व है तो हमने ट्वेल्व यहाँ पुट कर दिया है और स्लेंट हाइट कितना ट्वेंटी वन सो ट्वेंटी वन सो ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी वन सो टू ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी टू विल भी टू सिक्सटी फोर इंटू दिस विल भी थर्टी थ्री सो टू सिक्सटी फोर इंटू थर्टी थ्री बाई सेवन एंड दिस विल गिव अस 1244.57 मीटर स्क्वायर एज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन सो देखिए आप यूनिट दोनों जगह सेम कर लेंगे एक मीटर मीडिया है हमारे पास सेंटीमीटर सेंटीमीटर नहीं है बाय मिस्टेक ये हो गया है सो so, जो एरिया हमारे पास किस में मीटर स्क्वायर में है सो टोटल सर्फेस एरिया ऑफ कॉर्न इज ट्वेल्व मीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कॉन सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर टू सो नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री आप थ्री क्या है हमारे पास देखिए कर्ड सर्फेस एरिया ऑफ कॉन इज थ्री हंड्रेड एट सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लेंट हाइट इज फोर्टीन सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ बेस एंड टोटल सर्फेस एरिया ऑफ कॉन सो हमें देखिए कर्ड सर्फेस एरिया गिवन है दैट इज थ्री हंड्रेड एट सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड स्लेंट हाइट हमें गिवन है फोटीन सेंटीमीटर सो देखिए हम इस कर्ड सर्फेस एरिया से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट सो वी आर गिवन स्लेंट हाइट ऑफ कॉर्न दट इज फोर्टीन सेंटीमीटर एंड कर सर्फेस एरिया ऑफ कॉन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर बट वी नो दैट कर्स एरिया ऑफ कॉन इज पाई आर एल हमें पता क्या पाई आर एल पाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट है दैट इज 22 टू बाई सेवन रेडिस हमें फाइंड आउट करना है स्लेंट हाइट में क्यों है 14, सो इक्वल्स टू 308. सो नाउ रेडिस विल भी इक्वस टू 308, हंड्रेड एट ट्वेंटी टू बाई को ट्रांसपोज करेंगे राइट में बन जाएगा सेवन बाई ट्वेंटी को ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाएगा वन बाई फोटीन सो r इक्वस टू थ्री हंड्रेड एट इंटू सेवन अप ट्वेंटी टू इंटू ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा आर इक्वस टू सेवन सेंटीमीटर हमें मिल जाता है ट्वेंटी टू फोर्टीन जो होता है थ्री हंड्रेड एट फोटीन को फोर्टी से कैंसिल करेंगे हमें मिलेगा आर इक्वस टू सेवन सेंटीमीटर तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो जाता है हमें रेडियस मिल जाती है कौन की क्या कितना हमारा रेडियस ऑफ कौन सेवन सेंटीमीटर है अब हमें क्या करना है टोटल सर्फेस एरिया ऑफ कौन फाइंड आउट करना है एंड टोटल सर्फेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है कर्ड सर्फेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस सो कर्ड सर्फेस एरिया में ऑलरेडी गिवन है दैट इज थ्री हंड्रेड एट एंड एरिया ऑफ सर्कुलर बेस विल बी पाई आर स्क्वायर So 308 plus 22 by 7 into radius that is 7 square 7 into 7 so this will be you can see here 30, 308 plus 22 by 7 into 7 into 7 7 7 cancel ho 308 plus 154 will be 462 centimeter square so we 462 centimeter square mil jata hai, total surface area of corn this is all about question number three so now proceed for question number four क्वेश्चन फोर में क्या गिवन है एक कॉनिकल टेंट दिया गया है सो so, कॉनिकल टेंट इज टेन मीटर हाई टेंट की हाइट में दी गई है टेन मीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज ट्वेंटी फोर मीटर सो बेस का रेडियस दिया गया ट्वेंटी फोर मीटर फाइंड स्लेंट हाइट ऑफ टेंट हमें स्लेंट हाइट ऑफ टेंट फाइंड आउट करना है मतलब हमें एल फाइंड आउट करना फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट हमें जो पर्दा रिक्वायर्ड है टेंट को बनाने के लिए उसका एरिया फाइंड आउट करना है इफ द कॉस्ट ऑफ वन मीटर स्क्वायर इज सेवेंटी रुपीज सो एक मीटर जो एक मीटर स्क्वायर कैनवस है उसका एक कॉस्ट कितना है सेवेंटी रुपीज़ है सो मेरे टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है सो वी आर गिवन द हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट एज टेन मीटर सो रेडी सो कॉनिकल टेंट वी आर ऑलो गैट इज ट्वेंटी फोर मीटर सो फर्स्ट ऑफ आल फाइंड द स्लेंट हाइट एंड स्लैंड हाइ वी नो देट एल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सो अंडर रूट ऑफ आर स्क्र दैट इज ट्वेंटी फोर स्क्र प्लस एच स्क्र दट इज टेन स्क्वायर सो ट्वेंटी फोर स्क्र विल भी फाइव सेवेंटी सिक्स टेन स्क्वायर विल भी हंड्रेड सो फाइव सेवेंटी सिक्स प्लस हंड्रेड विल भी सिक्स सेवेंटी सिक्स स्क्वेर रूट ऑफ सेवन सेवेंटी सिक्स विल भी ट्वेंटी सिक्स सो ट्वेंटी सिक्स मीटर हमें मिल जाता है स्लेंट हाइट ऑफ टेंट सो स्लैंड हाइट ऑफ टेंट इज ट्वेंटी सिक्स मीटर सो नाउ वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ कैनवस दैट इज द कर सर्फेस एरिया ऑफ टेंट सो एरिया ऑफ कैनवस और यू कैन से कैनवस रिक्वयर टू मेक द टेंट विल भी करर्ट सर्फेस एरिया ऑफ टेंट दट इज पाई आर एल स्क्निट सो पाई ट्वेंटी टू बाई सेवन रेडिस इज ट्वेंटी फोर एंड स्लेंट हाइट इज ट्वेंटी सिक्स सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी विल गेट थर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी एट बाई सेवन मीटर स्क्वेयर एज द एरिया ऑफ कैनवस सो कॉस्ट ऑफ वन मीटर स्क्वायर कैनवस इज रुपीज सेवेंटी सो हमें एक मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है कैनवस का पर्दे का वो कितना दिया गया रुपीज़ सेवेंटी दिया गया सो कॉस्ट ऑफ थर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी एट बाय सेवन मीटर स्क्वायर कैनवस विल बी मोर और मोर के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे सेवेंटी इन टू थर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी एट बाय सेवन सेवन टेन या सेवनटी सो ये मिल जाता है हमें वन लैक थर्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एटी रुपीज़ दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैनवस सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर फोर So, now proceed for question number 5. What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius as 6 meter? Assuming that extra length of material will be required for the stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. So, length of tarpaulin, uh, we need to find length of tarpaulin with the width 3 meter. सो so, हमें देखिए ट्रपोलिन की विथ है जो ट्रपोलिन आपका त्रिपाल है सो so, हमें त्रिपाल की विथ दे रखी है थ्री मीटर बट हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है ट्रपोलिन की और हमें कॉनिकल टेंट फॉर्म करना है उसे सो so, कॉनिकल टेंट फॉर्म करना उस टेंट की हाइट में गिवन है एट मीटर और बेस रेडियस में दिया गया सिक्स मीटर सो हमें उसका जो कर्ट सर्फेस एरिया वो फाइंड आउट करना है वही करट सर्फेस एरिया प्लस उसी कर्ट सर्फेस एरिया को हम लेंथ एरिया ऑफ ट्रपोलिन के इक्वल करेंगे जो उससे वहाँ से हम लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे उस लेंथ में हम एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर देंगे दैट इज़ ट्वेंटी सेंटीमीटर फॉर स्टिचिंग पर्पज़ सो नाउ वी आर गिवन द हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट दैट इज एट मीटर हमें हाइट गिवन so, so, है एंड सो एंड रेडिस ऑफ कॉनिकल टेंट इज ऑल्सो वी आर गिवन दैट इज सिक्स मीटर सो देखिए हाइट और कॉनिकल टेंट का जो रेडिस है उस हाइट और रेडिस के आपसे से स्लैंड हाइट फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट सो स्लैंड हाइट ऑफ कॉन दैट इज एल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सो आर हमारे पास है सिक्स सिक्स स्क्वायर प्लस हाइट दैट इज एट सो एट स्क्वायर सिक्स स्क्वायर विली थर्टी सिक्स एंड एट स्क्वायर विल भी सिक्सटी फोर थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटी फोर विल भी हंड्रेड सो रूट ऑफ हंड्रेड विल भी टेन मीटर सो हमें रेडियस और हाइट की हेल्प से स्लैंड हाइट मिल जाती है दट इजन मीटर सो स्लेंट हाइट ऑफ कॉन इज टन मीटर सो नाउ वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ टर्पोलिन एरिया ऑफ टर्पोलिन क्या होगा हमारे पास एरिया ऑफ टर्पोलिन विल भीक्वल्स टू करज पाई आर एल पाई थ्री पॉइंट वन फोर रेडियस इज सिक्स एंड स्लैंड हाइट इज टेन सो आफ्टर सिम्प्लीफाइंग वी विल गेट वन हंड्रेड एटी एट पॉइंट फोर मीटर स्क्वायर एज एरिया ऑफ टर्पोलिन हमें एरिया ऑफ टर्पोलिन मिल जाता है वन हंड्रेड एटी एट पॉइंट फोर मीटर स्क्वायर सो नाओ वी आर गिवन विथ ऑफ़ ट्रपोलिन हमें क्या दिया गया है विथ ऑफ ट्रपोलिन दिया गया है जो कि थ्री मीटर है एंड लेंथ ऑफ ट्रपोलिन वी आर टू फाइंड सो हम लेंथ को एज्यूम कर लेते हैं एल सो एरिया ऑफ ट्रपोलिन क्या हो जाएगा लेंथ इन टू ब्रेथ लेंथ थ्री एल है और ब्रेथ हमारे पास थ्री है सो दिस विल भी थ्री एल सो देखिए ये एरिया बाय द फॉर्मूला आया ये एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया दोनों को एक वेट कर दीजिए सो नाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थ्री एल विल भी इक्व टू वन एटी एट पॉइंट फोर सो एल विल भी वन एट एटी एट पॉइंट फोर बाय थ्री सो मिल जाता है हमें यहाँ पे देखिए ये 188.4 है ओनली सो दिस विल बी इक्वल्स टू 62.8 मीटर हमें लेंथ मिल जाती है 62.8 मीटर दैट इज द लेंथ ऑफ टर्पोलिन बट हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी यूज किया गया है एक्स्ट्रा मार्जिन और वेस्टेज के लिए क्लॉथ दिया गया दैट इज 20 सेंटीमीटर सो द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मेटीरियल रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग पर्पज stitching margin and cutting is 20 centimeter so this will be 0 0.2 meter so the total length of re required tarpaulin will be 22.62.8 plus 0 0.2 so this will be 63 meter my total cloth kitna required hai? 63 meter required hai. so this is all about question number five so now the slant height and the base diameter of conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of rupees 210 per 100 meter square. सो so, देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है देखिए ज़रा द स्लैट हाइट एंड बेस डायमीटर हमें स्लैंड हाइट गिवन है दैट इज ट्वेंटी फाइव मीटर बेस डायमीटर है हमें फोर्टीन मीटर हमें कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फाइंड आउट करनी है टॉप का जो कि कॉनिकल शेप में है सो so, हमें क्या करना है वाइट वॉशिंग के लिए देखिए सबसे पहले हमें कर्व सर्फेस एरिया फाइंड आउट करना होगा और कॉस्ट हमें दी गई है हंड्रेड मीटर स्क्वायर के लिए जो कॉस्ट है वो कितना रुपीज़ टू हंड्रेड टेन है सो so, हमें टोटल सर्फेस एरिया जो आएगा उसको हम टोटल सी से हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर पाएंगे सो वी आर गिवन द स्लैंड हाइट ऑफ कॉनिकल टॉम्ब इज एल इक्वल टू ट्वेंटी फाइव मीटर एंड डायमीटर ऑफ टॉम्ब इज फोरटीन मीटर्स और रेडियस टॉम विल भी सेवन मीटर डायमीटर का हाफ करेंगे दैट इज फोटीन बाई टू इक्वल टू सेवन मीटर सो नाउ कर्ड सर्फिस एरिया विली पाई आर एल पाई हमारे पास कितना है ट्वेंटी टू बाई सेवन रेडिस कितना है सेवन एंड स्लैंड हाइट कितना है ट्वेंटी फाइव सो सिंपलीफाई करने पे में भी देखिए मैं क्या सेवन सेवन कैंसिल करेंगे तो मिलेगा ट्वेंटी टू इन टू ट्वेंटी फाइव विल भी फाइव हंड्रेड फिफ्टी मीटर स्क्वायर दिस इज द कर्ड सर्फिस एरिया ऑफ टॉम सो नाउ कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर हंड्रेड मीटर स्क्वायर इज रुपीज़ टू हंड्रेड टेन हमें हंड्रेड मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट दिया गया है जो कि टू हंड्रेड टेन रुपीज है सो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर वन मीटर स्क्वायर विल भी टू हंड्रेड टेन बाई हंड्रेड सो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर फाइव हंड्रेड फिफ्टी जो हमारे पास करो सपेस एरिया मिला है उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा मोर होगा मोर के लिए मल्टीप्लीकेशन सो टू हंड्रेड टेन बाई हंड्रेड इं टू फाइव हंड्रेड फिफ्टी एंड दिस विल गिव अस रुपीज़ एलेवन फिफ्टी फाइव सो एलेवन हंड्रेड फिफ्टी फाइव रुपीज़ हमारे पास होगा तो वो क्या होगा टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग होगा

सो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड टू मेक ए कैप ए कैप बनाने के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड है उसका कर सर्फेस एरिया होगा सो दैट इज पाई आर एल एंड पाई ट्वेंटी टू बाई सेवन रेडियस दैट इज सेवन सेंटीमीटर एंड स्लैंड हाइट दैट इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर सेवन सेवन कैंसिल हो जाएगा ट्वेंटी टू इंटू ट्वेंटी फाइव विल भी फाइव हंड्रेड फिफ्टी सेंटीमीटर स्क्वायर सो हमें एक कैप का कर सर्फेस एरिया मिल जाता है या एरिया ऑफ शीट मिल जाती है एक कैप बनाने के लिए तो हमें टोटल शीट कितनी रिक्वायर्ड है एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक टेन सच कैप्स will be 10 into 550 and this will be 5500 centimeter square. This is the required area of sheet and this is all about question number 7. So now proceed for question number 8. A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and the height of 1 meter. If the outer साइड ऑफ ईच कॉर्न इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज रुपीज ट्वेल्व पर मीटर स्क्वायर हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी गई है पर मीटर स्क्वायर के लिए ट्वेल्व रुपीज वट विल भी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल द सच कॉन्स ऑल द सच कॉन्स हमें कितने कॉर्न बनाने हैं फिफ्टी कॉन्स तो हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है सो वी आर गिवन डाय मीटर ऑफ कॉन दैट इज फोर्टी सेंटीमीटर और हमें कन्वर्जन देखिए करना होगा मीटर स्क्वायर में क्योंकि मीटर में हमें कॉस्ट दी गई है मीटर स्क्वायर में कॉस्ट दी गई हमें सो हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा फर्स्ट एंड रेडीज ऑफ कॉन विल बी Half of the diameter that is 40 by 2 equals to 20 centimeter. So now convert it into meter. So 20 by 100 meter will be equals to 0.2 meter. And height of cone we are given 1 meter. So slant height of cone will be L equals to 1 root of R square plus H square. And R we have 0.2. So 0.2 square plus 1 square. And 0 0.2 square will be 0.04. And 1 square will be 1. So this will be 1.04 under the root. So this is the slant height of the cone. So now curved surface area of cone that is pi RL.

क्या क्राउट सफेरी ऑफ कॉर्न सो नाउ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर वन मीटर स्क्वायर ऑफ द कॉन इज रुपीज सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जीरो पॉइंट सिक्स फोर जीरो फाइव सिक्स मीटर स्क्वायर ऑफ कॉन विल बी मोर मोर के लिए मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ट्वेल्व इंटू जीरो पॉइंट सिक्स फोर जीरो फाइव सिक्स विल बी इक्वेस्ट टू रुपीज सेवन पॉइंट सिक्स एट सिक्स सेवन टू सो ये मिल जाता हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वन कॉर्न सो नाउ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ फिफ्टी सच कॉन विल बी फिफ्टी इंटू सेवन पॉइंट सिक्स एट सिक्स सेवन टू एंड देट इज अप्रॉक्सीमेट रुपीज थ्री हंड्रेड एटी फोर so p is 384.34 so this is all about question number 8 and exercise 13.3 so if you learn from this video then please do subscribe my channel and share this video as much as you can thanks for watching